देख के लकड़ी लकड़ी भाई दबा के देख रहे, एक तरह से हवाई जहाज गुजर रहा टन्ना भाई साहब, क्या लाजवाब गाड़ी है। ओ, क्या बच्चे बच्चे बीवी बच्चे नहीं है मिला, देख रहे हो। अब यहाँ से मुरादाबाद कितने किलोमीटर है आपको दिखला, भैया गाड़ी कंपनी में लगा के भाई की दुकान पर है, समोसा खाने और दो अंडे की भुजियाई बनवा ली हमने, है ना भाई। भाई गाड़ी पॉइंट पे लग चुकी है, पीछे गाड़ी खाली हो रही है, गोदाम में लग चुकी है। राम गाड़ी खाली हो चुकी है हरदोई में, नहीं हल्द्वानी में, गलती से हरदोई निकल जाता मुझसे, हल्द्वानी में गाड़ी खाली हुई है उत्तराखंड में। अब रुद्रपुर जाने हैं, वहाँ से हमारा बनेगा। देखो देखो 5 बज चुके हैं, आप तो ट्रांसपोर्ट पे जाके नहीं तो उससे जानकारी ले लेंगे, उससे पहले खड़े हो जाएंगे किसी होटल पे जाकर, कौन सी ट्रांसपोर्ट पे जाना वो आपको दिखला देंगे कौन सी ट्रांसपोर्ट पे हम पहुँच चुके हैं। ठीक है भाई, आगे तक का पूरा देखिए, बोल के जय श्री राम। मैं इसके पीछे पीछे ही जाना भाई, ये मुड़ गया, हमें भी मुड़ना है। हल्द्वानी चौराया, अब इधर से हम सीधा मारेंगे इस साइड की तरफ। देख रहे हो भाई, ये हरदोई के जंग हल्द्वानी के जंगल है भाई, ये भाई पवन पवन रोड से ये ट्रांसपोर्ट है और यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है हमारी इस रोड पे, दिखलाएं आपको ये रही साइड में लगी हुई है। अब इसमें कपड़ा वपड़ा मार लेते हैं, टनाटन कर देते हैं, है कि नहीं, अपना काम करना ही बहुत ज़रूरी है यार। गाड़ी की तो बहुत हालत ख़राब हो रही है, दोनों कंबल वम्बल बिखरे पड़े, सोच रहा हूँ पहले चाय पी। हमें नलका मिला रुद्रपुर ट्रांसपोर्ट नगर में, देख लो ये गवर्नमेंट नहीं है प्राइवेट है सरकार। अपनी गाड़ी पर पानी मार देते हैं भाई, धूल तो बहुत उड़ रही थी, पानी भर के लेके आया, ये रही एक बाल्टी एक हीरा। अब गाड़ी को ढंग से धो देते हैं यार, धोना भी जरूरी है अपनी रोजी रोटी भाई। ये अपनी गाड़ी साफ हो रही है, लेकिन सारा हो जाएगा। काम कंप्लीट हो चुका है भाई, गाड़ी पे गाड़ी भी धो धा के कंप्लीट। अब क्या कर रहे हैं, जूते खा रहे हैं, चलो फिर आगे चलते हैं, आपको दिखलाते रहेंगे। हम ओ तेरी के भाई, इतनी बड़ी गाड़ी दिखी हमें भाई, ओए होए भाई साहब, देख के लकड़ी लकड़ी भाई दबा के देख रहे, एक तरह से हवाई जहाज गुजर रहा है टन्ना भाई साहब, क्या लाजवाब गाड़ी है। यहीं क्यों ओ, क्या बच्चे बच्चे बीवी बच्चे नहीं है, बीवी बच्चे नहीं, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए आपके बीवी बच्चे, शादी नहीं हुई, पासपोर्ट यह है नहीं। कितना कमा लेते हो सही बताओ पूरे दिन में, इसमें 100-150 रुपए बस पूरे दिन में, उसी से अपना गुजारा करते हो। कमरा कहाँ है आपका, कैंप में ही सोते हो। वैसे गांव कहाँ है तुम्हारा, गांव कहाँ है, गांव तो ये पहले खेड़े में रहते थे, यहीं रुद्रपुर में खेड़े में। और भाई कितने हो आप,
अकेला ही। माँ बाप की कोई जमीन जायदाद नहीं? कुछ नहीं, ना शादी हुई ना। देख लो भाई, जिंदगी ऐसे ही कट रही है। देख लिया भाई, ऐसे कट रही है जिंदगी। चलो जितनी होती है हम मदद करते हैं आपकी। और क्या कर रहे हैं भाई? ले बड़े भाई, चाय तो पी लेगा, और फिर दोबारा वापसी आएगा तो खाना भी खिला दूंगा मेरे भाई, है ना। चल फिर मिलते हैं बड़े भाई, जीवन ऐसे करता रहेगा। भाई चक्कर तो कुछ बना लिया, खाना खा लेते हैं ना। खाना आ चुका है, लेके बोलेगा ना, चक्कर बनेगा जब बन जाएगा। खाना खा के कम्प्लीट रहते हैं, उसके बाद बोल के जय श्री राम। रुद्रपुर में आज शाम हो गई भाई, कोई चक्कर नहीं बना आज। आज ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही हमें समय बिताना पड़ेगा। सामने वो खड़ी है गाड़ी, जहाँ सुबह खड़ी थी वहाँ पे अभी भी खड़ी हुई है, कोई प्रोग्राम नहीं बना भाई। आज तो चलो ऐसा दिन बीता है जैसे कि टाइम ही नहीं कटा, ऐसा दिन कटा यार, क्या करें यार। जैकेट भी पहन ली भाई, ठंड लगने लग गया, शुरू हो गई ठंड, चालू हो चुकी है भाई। शाम हो गई ना यार, अब क्या करें, चाय पी लेते हैं, और कोई काम तो है नहीं अपने को। एक चाय पी के फिर खाना खा लेंगे, खाना खा के फिर सो जाएंगे, कि गाड़ी तो लोड हुई नहीं कि गाड़ी चलानी पड़ेगी हमें। गाड़ी तो शांति से खड़ी हुई है, सुबह पानी भी मारा था इसमें, फिर वही धूल मिट्टी उड़ के फिर वही, फिर सुबह फिर पूरा दिन हो गया रुद्रपुर में खड़े खड़े, कोई प्रोग्राम नहीं मिला। अब खाना खाते हैं, खाना वाना खा के सो जाते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता की। अपनी सब्जी आ चुकी है, ये देखो भाई, हमने गाजर मटर बोली थी। खाना कंप्लीट आ चुका है, अब खाना खाते हैं। देख लो भाई, आपको बताया था कल तो गाड़ी लोड हुई नहीं, हम परसों आए थे, आज हमें 3 दिन हो चुके हैं। अब यहाँ 3 दिन होने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। अब ये उस्ताद जी खड़े हैं, इन उस्ताद जी से थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम किसी चीज़ की, वो उस चीज़ की जानकारी लेंगे। यहाँ से निकलें कैसे, कैसे रास्ते से निकलेंगे, ये सब कुछ हमें बताएंगे, इसके बाद हम आपको आगे का दिखलाएंगे। बोल के जय श्री राम। हमें रुद्रपुर से खाली गाड़ी मंगाई है सोनीपत के लिए, अब हम खाली गाड़ी रुद्रपुर से सोनीपत के लिए लेके जा रहे हैं। आप देखते रहिए, देखो खींचम खींच जाना बोल रखा है, प्रोग्राम हमने पक्का रख रखा है, और खींच के आइए, और खींच के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 5 बजे से पहले पहले पहुंचना है कंपनी में, वहां गाड़ी लोड हो जाएगी हमारी, ठीक है। आगे तक का पूरा दिखलाएंगे आपको, जय माता। भाई इस रास्ते की वजह से ना, धूल मिट्टी की वजह से केले की खेती है ना पूरी बर्बाद हो गई है। ये देखो केला पूरा ख़राब हो गया भाई, इस किसान का कितना नुकसान हुआ होगा भाई, हुआ हुआ कि नहीं, सिर्फ इस धूल मिट्टी की वजह से। ये रोड है भाई अपना रुद्रपुर इंडस्ट्री एरिया से सीधा ये हाईवे पे निकलता है, ये चोर रास्ता है, सारी गाड़ियां इधर से जाती है। क्यों? मजबूरी है भाई गाड़ी वालों की, और भैया इसलिए जाती है कि रुद्रपुर में नो एंट्री है, और सारी इधर से अपना नो एंट्री के चक्कर से बच के जाती है इधर से गाड़ी। अब भाई साहब धूल मिट्टी इतनी उड़ती है कि किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है भाई इधर। ये भैया काचला वाले टूल टैक्स पे पहुंच चुके हैं, काचले वाले टूल टैक्स पे जाम लगा हुआ है।
तू लंबर गोरी गोरी। ये आ गया काचला वाला टूल टैक्स। हमें जाना है सोनीपत, गाड़ी खाली खाली लेके। काचला वाला टूल पार हो गया है, अब यहाँ से खींच के रखनी है भाई। टाइम हम मिला है हमें 6 घंटे, 6 घंटे में सोनीपत पहुँचानी है। अरे पहुँच जाए, खाली गाड़ी है ना। अरे बहुत टाइम अपने पास, समझ लो इतना टाइम है कि हम अपनी मंजिल पे शाम शाम पहुँच जाएंगे। ये फ्लाई ओवर का काम चल रहा है भाई यहाँ पे। थोड़ा सा राइट, रुद्रपुर रामपुर वाले हाईवे पे। हे भाई साहब, ये रेलवे का फ्लाई ओवर है ना, दिक्कत ये है, इसके वजह से ये थोड़ा वैसी बात है। एक कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। मिला, देख रहे हो, अब यहाँ से मुरादाबाद कितने किलोमीटर है आपको दिखलाते हैं। अब भाई साहब कमी नहीं भर रखी इसने बिल्कुल भी, पूरा ठोक ठोक के भर रखा भाई। भैया गन्ने की खेती है यहाँ पे दवा के। अब यहाँ से देख लो मुरादाबाद और यहाँ से कितने किलोमीटर है, देख लिया आपने कितना भर रखा है गन्ना ठोक के भाई। इसलिए वो तो बोलते हैं यूपी की ट्रॉली। रामपुर वाला बाईपास है, इसकी कंडीशन देख रहे हो कितनी खराब है कंडीशन। रामपुर वाले बाईपास कितनी कंडीशन खराब है, उससे ज्यादा पूरा रोड फूटा पड़ा है यार रामपुर बाईपास वाला। मंजिल की तरफ चलो भाई। भैया हमें मिला है ये शेर खान, बहुत बड़ा शेर खान है भाई। भाई हम मुरादाबाद वाले हाईवे पे चढ़ चुके हैं, मुरादाबाद लखनऊ वाले कानपुर वाले हाईवे पे टनाटन। अब खींच अपने को खींच जाना और कहीं नॉन स्टॉप, कहीं रुकना नहीं है अपने को, खींच के चलना और दिखलाना है। है खींच भाई, खींच के चलना पड़ेगा, खींच के भाई। खींच चलना पड़ेगा भाई जल्दी। अभी बच चुके हैं 2 और हम पे हैं 4 घंटे, मुरादाबाद से 4 घंटे लगभग पूरे कंप्लीट है भाई। 4 घंटे में सोनीपत ठा टंडा लड़ा पूरा ब्लॉग दिखलाएंगे आपको। खाली गाड़ी लेके जा रहा हूँ रुद्रपुर से सोनीपत, ठीक। और ये देखो गाड़ी भाई, अच्छा लग रहा है आप लोगों को भाई, क्या करें अकेले, इसीलिए ब्लॉग बनाते रहते हैं भाइयों। केएमपी पे पहुंच चुके हैं, ये केएमपी वाला टूल टैक्स है डासना वाला। अब ये टूल टैक्स को हम पार करके अपने मंजिल की तरफ निकल चुके हैं। केएमपी पे चढ़ गए भाई, अब यहाँ से लगभग होगा भाई, केएमपी पे चढ़ चुके हैं हम अपना डासना से केएमपी पे चढ़ गए। अब यहाँ पे
पी हाईवे पे हम चढ़ चुके हैं। और आपको दिखलाए यहाँ से है, ये देखो देख लिया भाइयों आप लोगों ने। अब हमें एक से डेढ़ घंटा लगेगा कुंडली पहुंचने में। बस एक डेढ़ घंटे में कुंडली पहुंच जाएंगे, फिर आगे का आपको दिखलाते रहेंगे। भाई अभी मुरादवर नगर वाला कट पार कर चुके हैं और भाई मिले हमारे साथ। और भाई बढ़िया, और बताओ क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया, कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब मौज ले ले दोनों भाई, अब जा रहे हैं अपने सफर की तरफ। है ना फाइनल भाई, हम कुंडली वाले कट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है भाई, अब कुंडली वाले कट से नीचे उतरेंगे सीधा सोनीपत के लिए। तो रास्ता रोक रखा है किसानों ने दिल्ली जाने के लिए, बंद कर दिया भाई। तो देख रहे हो भाई कितना जाम लग रहा है। भाई केएमपी से नीचे उतर चुके हैं, अब ये पानीपत वाले हाईवे पे चल रहे हैं हम। और यहाँ पे इतना जाम लगा हुआ है ज्यादा किसानों की वजह से, ये देखो रास्ता बंद कर रखे हैं वो पल्ली साइड में, इधर भी जाम बहुत है। अभी भैया हमें कोई दिक्कत नहीं, क्यों? हमारी है डीजल गाड़ी, हमें दिल्ली घुसना नहीं है। अब ये क्या साइड के भी रास्ते बंद कर देंगे फिर हमारे लिए आफत हो जाएगी, इसलिए हाय हेलो मेरी जान। भाई बिस्मा मिल मार्केट है, यहाँ लग गया भाई। फाइनल हम कंपनी में पहुंच चुके हैं जहाँ लोडिंग करनी थी अपने को। ये रही 1806 और ये खड़ी अपनी गाड़ी, और ये सर आए हैं गाड़ी लगवाने के लिए। हाँ सर ये हमारी गाड़ी, सर लगाओ ना। कहाँ पे लगा? उस वाले गेट पे। चलो भाई देखो आगे ऑर्डर लगाते अपनी गाड़ी। भैया गाड़ी कंपनी में लगा के भाई की दुकान पर है समोसा खाने, और दो अंडे की भुजियाई बनवा ली हमने, है ना भाई? और क्या क्या नाम है आपका? बढ़िया हो ना, कुछ कहना चाहोगे हमारे ब्लॉग के बारे में? भाई साहब शर्माते हैं, वैसे दिल के अच्छे हैं भाई, कुछ भी कहो। इनकी दुकान पे आए तो पहले तो दो समोसे खाए हमने, ये वाले ठीक है, ये समोसे खाए और दो अंडे की भुजिया बनवा रहा हूँ जो चाउमीन में डल जाएगी, उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, है ना बड़े भाई? चलो आगे का आपको दिखलाते रहेंगे। जय माता की।